आज हम लोग ये घर में बना रहे बिल्कुल होटल जैसा चाइनीज स्टाइल में मंचूरियन की रेसिपी। आप देखिए ये जो वेज मंचूरियन है ना, एकदम घुल जाने वाला लग रहा है कि नहीं। और मेरे चटरों कैसे हो आप? जैसे मैंने कहा, आज हम लोग घर में ये वेज मंचूरियन की रेसिपी बना रहे हैं। बहुत ही यम्मी होती है और बिल्कुल बाजार जैसा फ्लेवर आता है, एकदम मुंह में घुल जाता है। दोस्तों, लगभग एक साल पहले मैंने इसकी रिसर्च करके पता किया था कि जब भी हम लोग बाहर खाते हैं ना मंचूरियन, वेज मंचूरियन, उसमें मैक्सिमम टाइम खाली पत्ता गोभी रहती है। तो मैंने वो मेरे इंग्लिश चैनल में भी पोस्ट किया था, आप सभी को बहुत पसंद आया और साथ में एक दो चैनल ने और ने भी पोस्ट किया वो। तो मैंने सोचा भाई मैं क्यों नहीं पोस्ट करता हूँ इतनी यम्मी रेसिपी, मैंने रिसर्च करके बनाया। तो आप भी ट्राई करिएगा, कुछ टिप्स आपके साथ शेयर करूँगा जिसकी वजह से फ्लेवर एकदम यम्मी आएगा दोस्तों, और दिखने में तो यम्मी लग ही रहा है। तो रेसिपी शुरू करें क्या? दोस्तों रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग पत्ता गोभी को लेंगे क्योंकि यही मेन इंग्रेडिएंट है। जैसे मैंने कहा था, आप कोई भी ले सकते हो मीडियम साइज़ की, इसको बस आप काट लीजिए। उसके बाद हम लोग इसको है ना कद्दूकस करेंगे। आप ऐसा मैनुअल कद्दूकस ले सकते हो या फिर अगर आप मिक्सी में करना चाहो तो आप इसको मिक्सी में भी चला सकते हो। मैंने 2-in-1 काम किया है यहाँ पर, आप देख सकते हो। हल्का सा शुरू में कद्दूकस किया, फिर मैंने मिक्सी में चला लिया है। आप कैसे भी कर सकते हो इसको, बाद में आपको नापना पड़ेगा कि ये कितनी है। ये रेसिपी में आज हम लोग चार देने के लिए 2 कप पत्ता गोभी इस्तेमाल करेंगे, यानी 2 बड़ी कटोरी इस्तेमाल करेंगे। अब ये तैयार लग रही है तो मैं इसमें मसाले डाल देता हूँ जो कि मेन इंग्रेडिएंट है इस रेसिपी का। नमक सबसे पहले दोस्तों टेस्ट के अकॉर्डिंग, उसी के साथ में 1 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट है मेरे पास, 1/2 चम्मच मैंने यहाँ पर गरम मसाला भी डाला है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हम लोग इसमें 1 चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर भी डालेंगे। और अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें हल्का सा कॉर्नफ्लावर डालेंगे और हल्का सा मैदा भी डालेंगे। शुरू में मैं थोड़ा सा डाल रहा हूँ, टोटल में मैंने ये रेसिपी में 3-3 चम्मच इस्तेमाल किए हैं, लेकिन ज़्यादा मत डालिएगा। हमेशा पत्ता गोभी का जो पानी का लेवल रहता है ना, वो कभी कम रहता है, कभी ज़्यादा रहता है, सेम कभी रहता नहीं है। तो शुरू में हल्का सा डालिए, लास्ट में हम लोग को इसका एक आटा जैसा बनाना है। तो मैं मेरे हाथों से आप देख सकते हो कैसे इसको मिक्स कर रहा हूँ और मैश कर रहा हूँ। मैंने अभी सारा डाल दिया है 3-3 चम्मच, अब ये है ना बिल्कुल एक आटे जैसा बनने लग जाएगा। आप देख सकते हो बिल्कुल बढ़िया लग रहा है ये दोस्तों, एकदम रेडी है। आपको भी ऐसी कंसिस्टेंसी बनानी है, ज़्यादा आटा मैदा मत डालिएगा, उससे कच्चा टेस्ट आएगा दोस्तों मंचूरियन में। आखिर में हम लोग को सब्जी खानी है, मैदा कॉर्नफ्लावर थोड़ा ना खाना है। अब मैं इसके छोटे छोटे टुकड़े बना लेता हूँ और फिर हम लोग इसको स्मूथ कर लेंगे। आप देख सकते हो आपके प्रेफरेंस के हिसाब से आप आपकी साइज़ बना लीजिए। मैंने ये मीडियम साइज़ के बॉल्स बनाए हैं, ये रेसिपी से 16 पीस के आसपास बन जाएंगे आराम से। लास्ट वाला हल्का सा छोटा है, इसे हम लोग टेस्टिंग कर लेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर मेरे पास तेल मीडियम गरम है, ज़्यादा गरम नहीं रहना चाहिए तेल, अगर ज़्यादा गरम रहेगा तो अंदर से पूरा कच्चा रह जाएगा। मेन चीज़ इसमें ये पकाने का है दोस्तों। आप देखिएगा तेल को मीडियम फ्लेम पर रखिएगा, जब ये ऐसे पकने लग जाता है ना तो मतलब तेल रेडी है। 2 चीज़ की टेस्टिंग की अभी हम लोग ने, एक तो ये फटा नहीं और दूसरी बात ये मीडियम फ्लेम पर है। तो ऐसे ही मैं इसमें सारे मंचूरियन के बॉल्स डाल देता हूँ और फिर हम लोग इसको फ्राई करेंगे हाई फ्लेम पर। मतलब शुरू में मीडियम था, अब मैंने हाई कर दिया है क्योंकि मैंने सारे एक साथ में डाल दिए थे। तेल ज़्यादा ठंडा हो जाता है ना दोस्तों अगर ज़्यादा बॉल्स हो उसमें, तो वही चीज़ की वजह से मैंने फ्लेम को एक बार के लिए हाई कर दिया है। अब हम लोग इसको फ्राई करेंगे जब तक ये लाइट गोल्डन ना हो जाए, उसी के साथ में ऊपर ना आ जाए। अभी सारे ये सतह पर है, नीचे है, धीरे धीरे ये ऊपर आ जाएंगे जैसे ये पकते हैं। टोटल मैंने इसको अभी 6 मिनट के आसपास पकाया है दोस्तों। आप देख सकते हो कैसे ये मंचूरियन के बॉल्स ऊपर आने लग गए हैं, हल्के हो चुके हैं, क्रिस्पी भी लग रहे हैं, लाइट गोल्डन हुए हैं दोस्तों अभी। तो अब मैं इसको निकाल लेता हूँ। आपको इसको टिश्यू पेपर में रखने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही एक प्लेट में रख लीजिए। जब आपको ये कंप्लीट करना हो ना तब हम लोग इसको वापस फ्राई करेंगे। मतलब ये रेसिपी में अभी हम लोग डबल फ्राई करेंगे, आप चाहो तो एक बार में भी पूरा फ्राई कर सकते हो। तो दोस्तों ये 80% कुकिंग हो चुकी है मंचूरियन बॉल्स की। ये बाहर से ज़्यादा क्रिस्पी नहीं है लेकिन अंदर से पक चुके हैं। तो 5 मिनट के लिए ठंडे हो जाते हैं, मतलब 5 मिनट इसको ठंडा करना है जब तक हम लोग तेल को गर्म कर लेते हैं। जब तेल एकदम ज़्यादा धुएँदार गर्म रहेगा ना तब हम लोग इसमें ये मंचूरियन के बॉल्स डाल देंगे और फिर इसको फ्राई करेंगे पूरा गोल्डन होने तक। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगी, बस 1 मिनट और लगेगी और फिर हम लोग के मंचूरियन बॉल्स एकदम क्रिस्पी वाले घर में रेडी हो जाएंगे।
तो ये वेज मंचूरियन के बॉल्स बिल्कुल रेडी है, आप देख सकते हो बहुत ही बढ़िया कलर आया है, गोल्डन भी लग रहे हैं, ब्राउन भी लग रहे हैं। तो अब मैं इसको निकाल लेता हूँ और फिर प्लेट में रख लेता हूँ। ये स्टेप में आप टिश्यू पेपर पर रख सकते हो। तो ये लीजिए दोस्तों, हम लोग एकदम क्रिस्पी और अंदर से एकदम फ्लफी और नरम मंचूरियन बॉल्स रेडी है। जब सॉस में डालेंगे तब तो ये ज़्यादा क्रिस्पी नहीं रहेंगे, लेकिन टेस्ट धमाकेदार रहेगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं, फटाफट जाते हैं इसकी सॉस बनाने के स्टेप में, जिसके लिए आपको एक बड़ा सारा पतला सा बर्तन इस्तेमाल करना पड़ेगा। जी हाँ, पतला बर्तन इस्तेमाल करना पड़ेगा, स्टील का बर्तन बेस्ट रहता है दोस्तों, क्योंकि वो ज़्यादा गर्म हो जाता है। अच्छी तरह हम लोग ये कढ़ाई को या फिर चाइनीज़ कढ़ाई को गर्म करेंगे। जब गर्म हो जाती है तब हम लोग इसमें कोने से तेल डाल देंगे। सिंपल टेक्निक है दोस्तों, गर्म कढ़ाई में ठंडा तेल की वजह से कुछ भी चिपकता नहीं है, तो मैंने तेल को अच्छी तरह फैला दिया है। जब तेल गर्म हो जाता है ना, तब हम लोग इसमें लहसुन डाल देंगे, शिमला मिर्च डाल देंगे, एक दो हरी मिर्च को मैंने लंबा लंबा काट लिया था, और बहुत सारा लहसुन है, ये सारी चीज़ों को डाल देंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग इसमें डाल देंगे लहसुन और फिर उसको पकाएंगे लगभग 30 सेकेंड के लिए। 30 सेकंड तक पकाने के बाद ये हल्का सा पक जाएगा, कच्चापन चला जाएगा, तब हम लोग इसमें हरी मिर्च और प्याज डालकर इसको एक मिनट के लिए हाई फ्लेम पर पका लेंगे। तो लीजिए दोस्तों, प्याज भी पक चुका है, अब हम लोग इसमें डाल देंगे शिमला मिर्च, जो कि मैंने दो कलर में इस्तेमाल करी है। लाल वाली सिर्फ नाम के लिए है, आप चाहो तो है ना हरी वाली भी इस्तेमाल कर सकते हो, पीली वाली भी कर सकते हो। इसको हम लोग फिर से 30 सेकंड के लिए पका लेंगे, कच्चापन हल्का सा चले जाना चाहिए। उसके बाद हम लोग इसमें डाल देंगे काली मिर्च और नमक। काली मिर्च मैंने यहाँ पर आधी चम्मच इस्तेमाल करी है, और नमक जो है वो टेस्ट के लिए है, लेकिन कंट्रोल में डालिएगा, क्योंकि हम लोग इसमें जो सोया सॉस डालेंगे ना, उससे बहुत नमक आ जाता है, तो हल्का सा कम नमक डालिएगा। फ्लेम को मैंने हाई पर रखा है, तो मैं ये एक बार नमक और काली मिर्च को मिला देता हूँ। उसके बाद हम लोग इसमें सॉसेस वगैरह डाल देंगे। यहाँ पर मैंने टमेटो केचप इस्तेमाल करी है लगभग 2 बड़े चम्मच के आसपास, उसी के साथ में 1 चम्मच के आसपास चिली सॉस भी है। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो आप ज़्यादा डाल लीजिएगा। हम लोग इसमें डार्क सोया सॉस भी डालेंगे। अगर आपके पास रेगुलर वाली अवेलेबल हो तो उसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगता है, मेरे को तो भाई, तो आप वो डालने की कोशिश करिएगा। 1 चम्मच के आसपास मैंने इस्तेमाल किया है। मेरे को हल्का सा कम नमक लग रहा था पहले, तो मैंने नमक भी हल्का सा डाला है। अब मैं इसको मिक्स कर पका लेता हूँ। आप देखिए क्या इसमें धुआँ आ रहा है, एकदम बढ़िया फ्लेवर आएगा इसकी वजह से। जो सॉसेस है वो बढ़िया तरीके से पक रही है दोस्तों, बस कुछ और सेकेंड इसको पकाना है। उसके बाद आप चाहो तो इसमें हल्का सा MSG डाल सकते हो, मतलब फ्लेवरिंग सॉल्ट डाल सकते हो, ज़रूरी नहीं है दोस्तों, बस बाज़ार में डाला जाता है, तो मैंने भी हल्का सा डाल दिया है। और मेरे को इसका कलर हल्का सा डार्क ज़्यादा लग रहा है, तो मैं इसमें 1 चम्मच के आसपास सॉस और डाल देता हूँ, टमेटो सॉस, और फिर हम लोग इसको एक बार मिक्स कर लेते हैं। सब कुछ पक चुका है, तो अब हम लोग इसमें पानी डाल देते हैं। मैंने यहाँ पर ज़्यादा पानी इस्तेमाल नहीं किया है, आधा कप के आसपास पानी इस्तेमाल किया है। पानी को मिक्स कर लेते हैं, क्योंकि अब पानी डालने की वजह से ये पतला हो गया है, तो बाइंडिंग के लिए कॉर्नफ्लावर इस्तेमाल करेंगे। मैंने यहाँ पर 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर इस्तेमाल किया है। इसमें 2 से 3 चम्मच के आसपास पानी डालकर एक बार मिक्स कर लीजिए। इससे क्या होगा, जो लहसुन है उसकी बाइंडिंग अच्छी तरह हो जाएगी। अब ये सारा नहीं डालना है, हल्का हल्का डालकर मिक्स कर लीजिए, इसकी वजह से सब ठीक हो जाएगा और बिल्कुल बढ़िया लगेगा। आप देखिए कैसे ये कॉर्नफ्लावर डालने की वजह से एकदम फटाफट से ये ठीक हो रहा है, एकदम बढ़िया लग रहा है। तो अब बस लास्ट का स्टेप है, हम लोग इसमें अपने मंचूरियन के बॉल्स डाल देंगे। उसी के साथ में अगर आप चाहो तो हल्का सा स्प्रिंग अनियन डाल लीजिए और फिर अच्छी तरह मिक्स करिए। आप चाहो तो गैस को बंद कर सकते हो। हम लोग का घर में बना हुआ बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में वेज मंचूरियन तैयार है। आप देख सकते हो एकदम झकास लग रहा है कि नहीं, कलरफुल भी लग रहा है, टेस्टी भी लग रहा है। तो आप भी ट्राई करिएगा ये रेसिपी को। अब मैं इसको फटाफट सर्व कर रहा हूँ, आप देख सकते हो ऊपर से हल्का सा और स्प्रिंग अनियन डाल देते हैं। बेस्ट पार्ट क्या है दोस्तों, इसके जो ये मंचूरियन के बॉल्स है ना, बहुत ही नरम और जूसी है, खाने में एकदम मज़ा आ जाता है। तो आप भी ट्राई करिएगा।
तो दोस्तों ये थी मेरी वेज कैवेज मंचूरियन की रेसिपी या फिर वेज मंचूरियन की रेसिपी। आप भी ट्राई कर मेरे को बताइएगा कि कैसा लगा। अच्छा लगा तो लाइक बटन, नहीं अच्छा लगा तो भाई एक बटन से आप डिसलाइक कर दीजिएगा। उससे क्या होता है, मेरे को पता चलता है कि हाँ भाई आपको ये रेसिपीज अच्छी लग रही है, नहीं लग रही है तो मैं आने वाली रेसिपीज़ को और बढ़िया करने की कोशिश करूँगा। आपका फीडबैक भी नीचे कॉमेंट सेक्शन में पोस्ट करिएगा। हल्की सी गर्मी हो रही है तो पसीने ज़्यादा आ रहे हैं मेरे को। मिलता हूँ जल्दी एक और वीडियो के साथ, आज के लिए बस इतना ही।